दोस्तों, अगर आप बीए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी से बीए इंट्रेंस एग्जाम से जुड़े 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शाख नियंत्रण के परिणामात्मक उपयोगों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं, जो ऑप्शन सही होता है उस पर आपको जो है कि ट्रिक लगाना होता है और ओएमआर शीट में आपको भरना होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको चार विकल्प देखने को मिल रहे होंगे। चारों विकल्प और क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। जो विकल्प आपको सही लगे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो पहले का बताइए, पहले का सही आंसर होगा आपका डी, ऋणों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ब्रेक इवन बिंदु क्या है। तो क्या है दोस्तों आपको बताना है, 102 वाला बताइए ऑप्शन नंबर दो का क्या होगा। सही आंसर होगा आपका सी, वह स्थित जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न ही हानि। ठीक है, तीसरा प्रश्न आज का, क्लोज्ड इकोनॉमी का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्या होगा, तीसरे का, जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, तुरंत जो है कि 50 क्वेश्चन आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन और आंसर देखते रहिए। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, चौथे का बताइए। सही आंसर होगा आपका बी, वाशिंगटन डीसी। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं। 105वें का बताइए। सही आंसर होगा आपका ए, सिक्किम तथा गोवा। अगला प्रश्न, सन 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, सही आंसर होगा आपका पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कपाट का संबंध है तो क्या होगा। सही आंसर होगा आपका ए, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखिए, जो चारों विकल्प है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। 108वें का यानी कि 8वें का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ठीक है, जो अंत्योदय कार्ड जो है कि आपको मिलता हो गांव में मिला होगा उसमें, लेकिन इसमें आपको पता होगा जो अमीर है उसको भी राशन मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था। किस वर्ष किया गया था, सही आंसर होगा आपका 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तो क्या होगा। सही आंसर होगा आपका ए, चावल। ठीक है, आपको तो पता ही होगा चावल होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 111वें का यानी कि आपका 11 नंबर का। सही आंसर होगा आपका बी, KGF यानी कि कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ही आपका KGF है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अल्प विक्रेताधिकार की मूल विशेषता है। क्या मूल विशेषता है दोस्तों, 12वें का बताइए। सही आंसर होगा आपका सी, कुछ विक्रेता। अगला प्रश्न, मंद डिया व तेज डिया शब्दावली किससे संबंधित है। नंबर 13वें का बताइए। सही आंसर होगा आपका ए, शेयर बाजार। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग,
निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? नंबर 14 का तो मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है पूछ रहा है यहाँ पे, चारों विकल्प आप लोग देखिए, जो आंसर आपको सही लगे नीचे कमेंट करते रहिएगा। 15वें का तो सही आंसर होगा आपका ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रहती है? तो किस मामले में रहती है दोस्तों, सही आंसर होगा आपका गेहूं और चावल के मामले में, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? नंबर 17 का तो हैदराबाद में। जो भी आंसर आए नीचे कमेंट करते रहिए आप लोग फटाफट। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? नंबर 18 क्या बताइए, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका डी, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न, शून्य आधार बजट जीरो बेस बजट का आशय है क्या होगा? नंबर 19 में क्या बताइए, तो 19 में का आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना है कि वह नहीं हो, ठीक है। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में क्या परिवर्तन होता है? 120वें का यानी कि ऑप्शन नंबर 20वें का बताइए आप लोग खाली। इसके पहले भी जो है कि आप सभी को वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर के जो है कि फाइल में वीडियो का जो ग्राफ होता है वहां पे चेक कर सकते हैं। तो 20वें का बताइए, 20वें का आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, प्रतिकूलता में वृद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हीनार्थ प्रबंध का उद्देश्य है क्या, क्या होगा बताइए, किस समय का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालना। अगला प्रश्न 22वां, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने के बाद बचा शेष कहलाता है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने के बाद बचा शेष क्या कहलाता है? नंबर 22 सही आंसर होगा प्रारंभिक घाटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नंबर 23 वित्तीय साधनों की कमी का अनुमान लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नंबर 23 तो सही आंसर होगा आपका बी, राजकोषीय घाटा। नंबर 24 देखेंगे, स्वतंत्रता व्यापार से तात्पर्य यह है कि क्या होगा? नंबर 24 का यह है कि तो सही आंसर आपका होगा ए, विदेशी व्यापार पर कोई नियंत्रण न हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई? नंबर 125वें का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका, माराकेश संधि द्वारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, आयातों को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 26वें का बताइए, सही आंसर होगा आपका कोटा प्रणाली लागू करके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मुक्त व्यापार की नीति उसी समय वैध होती है जब वस्तुओं एवं साधनों के बाजारों में क्या होता है? पूर्ण
प्रतियोगिता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कोटा प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है, क्या शामिल है बताना है आपको। सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपको बताना है। नंबर 29 का बताइए, तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों आपका सी, विश्व के देशों की प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विश्व बैंक समूह में निम्न में से किन संस्थाओं का समावेश है, क्या होगा। नंबर 30 का बताइए, तो सही ऑप्शन होगा इसमें आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विश्व व्यापार, ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन किस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से जो है कि सहयोग करेगा। नंबर 31, तो सही आंसर होगा आपका सी, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण से निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन क्या होगा बताना है आपको, तो इसका होगा निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करने का मुख्य उपाय। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक साधनों में निम्न में से क्या जो है कि सम्मिलित नहीं होता है, तो क्या सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों। नंबर 33 का बताना है आपको, तो सही आंसर होगा आपका ए, उद्योग। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो क्या होगा। नंबर 34 का सही आंसर आप बताइए, सही आंसर होगा आपका सी, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का अस्तित्व। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है, तो क्या होगी। नंबर 35 का सही आंसर होगा आपका ए, संरचनात्मक। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है, तो मूल आधार क्या होगा दोस्तों बताना है आपको। नंबर 36 का सही आंसर होगा आपका ए, निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, तो सही आंसर बताइए, सही आंसर होगा आपका ए, रेखीय सीमित आयात। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 38 वाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो कब हुआ। सही आंसर होगा आपका डी, सन 1949 में। अगला प्रश्न, भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था, तो कौन उत्तरदायी था दोस्तों बताइए। नंबर 39 का सही आंसर होगा आपका सी, जेम्स विल्सन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मुद्रा स्फीति से जो है कि लाभान्वित होता है, तो क्या होगा। सही आंसर होगा जो लाभान्वित होता है वो होता है रीढ़ी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा आपका ए, घरेलू क्षेत्र। अगला प्रश्न, हवाला क्या है, हवाला क्या है। नंबर 42, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे करेक्ट होगा। सभी लोग दो एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और जो चारों विकल्प है, चारों विकल्प अच्छे से आपको देखना होगा। भारत में किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। नंबर 43 का सही आंसर बताइए, सही आंसर होगा आपका सी, चीनी उद्योग।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार हस्तक्षेप करता है? 44 सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी विधियों द्वारा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में प्रकट अधिमान सिद्धांत के जनक हैं? 45 सही आंसर होगा आपका बी, सैमुएलसन। अगला प्रश्न होगा, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत प्रमुख रूप से क्या होगा? नंबर 46 का मुद्रा की मांग का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किसी उत्पाद पर दिए गए इको मार्क प्रमाण का चिन्ह यह बताता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से जो है कि अनुकूल है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? सही आंसर आपका होगा ए, सिंदरी में। ये मत आप देखिए गोरखपुर में अभी खुला हुआ है तत्काल में, तो इस गोरखपुर पर नहीं लगाना है, आपको लगाना है सिंदरी में जो पहला कारखाना था। अगला प्रश्न होगा, भारत में निम्न में सबसे अधिक किसका निर्यात होता है? तो सही आंसर होगा आपका सी, चाय। तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न, यदि किसी देश के आयात का मूल्य निर्यात से अधिक होता है तो उसे कहा जाता है? नंबर 50 तो सही आंसर होगा प्रतिकूल व्यापार। तो दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपने कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।